दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेंटन सीरीज के दो टॉयज। पहला तो है ये बेंटन का लैपटॉप और दूसरा है मेरे हाथ में ये बेंटन का वॉकी टॉकी। तो जल्दी से करेंगे हम इन दोनों की अनबॉक्सिंग। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु, आप देख रहे हैं पीपल योर चॉइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों पैकेज दिखता है बाहर से कुछ इस तरह, यहाँ पर लिखा गया है बहुत सारा कुछ और यहाँ पर भी कुछ लोगो दिए गए हैं, जैसा कि लेट्स लर्न लेटर्स, लेट्स लर्न सम वर्ड्स, लेट्स लर्न नंबर्स, लेट्स प्ले मेलोडी एंड लेट्स प्ले गेम्स। तो हम जल्दी से देखेंगे कि क्या वाकई ये कर सकता है ये सब कि नहीं। यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर एक बेसिक सी एक पैम्पलेट मिलता है हमको, जिसे कि आप यूज करने से पहले जरूर पढ़ लें। इसको हम रख देते हैं साइड और आते हैं अपने इस मेन बेंटन लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा बेंटन का लैपटॉप। दोस्तों अगर क्वालिटी की यहाँ पे बात की जाए तो यार क्वालिटी मुझे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लगी, बहुत ही ऑसम लगी। और यहाँ पर जो बेंटन का ये लोगो है ये भी काफी इसे अट्रैक्टिव बनाता है। दोस्तों फ्रंट की तरफ यहाँ पे दिया गया है एक लॉक जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और बहुत ही इजीली जो खुल जाता है। दोस्तों डिजाइन और ये आप देख सकते हैं, मतलब काफी अच्छा है, काफी हैंडी सा लग रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दी गई है कई सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटर्स हम लर्न कर सकते हैं, वर्ड्स कर सकते हैं, नंबर्स कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेलोडीज भी है और कुछ है गेम्स भी। और उसके ऊपर आप सब हेडिंग भी देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के गेम्स के अंदर भी कई तरह के सेक्शन है। तो जल्दी से मैं कुछ कुछ सेक्शन आपको प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया लग सके कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। तो दोस्तों यहां पर करता हूं मैं इसको ऑन और यहां पर मैं चुनता हूं एक सेक्शन लेटर्स वाला। अब ये मुझे पूछ रहा है वेयर इज द लेटर आई, तो ये मैं आई दबाता हूं तो ये है यहाँ पे एक स्माइली का चित्र आता है। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन की बात करूं, मैं हल्का सा ऊपर करता हूं तो कुछ अलग गेम आता है एफ, एफ फॉर फ्लावर। तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पे कुछ वर्ड्स से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये पूरी स्पेलिंग यहाँ पे बता रहा है, तो कि सेक्शन जो है पूरा वो वर्ड्स का है, वैसे ही नंबर्स है। और यहाँ पे सबसे जो अच्छा सेक्शन मुझे लगा वो यहाँ पे लगा मेलोडीज का, क्योंकि जो उसका साउंड है वो यहाँ पे काफी अच्छा है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यार ये मेलोडी वाला सेक्शन है ये यहाँ पे काफी अच्छा है, और मतलब इवन गेम्स भी अगर इसमें देखे तो गेम्स मुझे यहाँ पे इतने कोई खास नहीं लगे। मैंने दो तीन गेम्स खेले और मतलब बहुत ही नॉर्मल से हैं और मजा इतना मुझे कुछ खास आया नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं थोड़ी देर के लिए से कर लेता हूँ ऑफ, इसकी आवाज कुछ ज्यादा ही हो रही है। तो दोस्तों अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार सब कुछ इस लैपटॉप में बहुत बढ़िया है, क्वालिटी, डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस। बट जो स्क्रीन है ना ये थोड़ी सी, मतलब आपको शायद यहाँ पे मुझे नहीं पता आपको कितना दिखाई दे रहा है विजिबिलिटी, बट यार रियल में जो है ये काफी मतलब लाइट है। अगर ये थोड़ी सी और अच्छी होती, थोड़ी डार्क होती तो मतलब मजा ही आ जाता। तो दोस्तों जैसा कि है, अगर आपको फिर भी ये परचेस करना है तो सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप जाके वहां पे इसे परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल ये एक ठीक ठाक पैकेज है। तो बढ़ते हैं अपने अगले आइटम की तरफ। दोस्तों दूसरा आइटम जो आप मेरे हाथ में इस वक्त देख रहे हैं वो है एक बेंटन का वॉकी टॉकी। तो जल्दी से इसको करते हैं हम ओपन और देखते हैं कि इसके कंटेंट हो क्या क्या है। कंटेंट तो इसके बाहर ही दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसा कि
तो मैंने कर दिया इसको यहाँ से ओपन, जो कि हुआ नहीं है अभी, सही से फाड़ना ही पड़ेगा लगता है। यहाँ से भी काट लेता हूँ थोड़ा सा। एक तो निकल गया, दूसरे को भी साइड से निकाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने निकाल लिया इन वॉकी टॉकी को बाहर, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों क्वालिटी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं कि कितनी बकवास क्वालिटी है। मेरा तो मन किया था कि इसे तोड़ते ही, मतलब निकालते ही तोड़ के फेंक दूं, बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको बताना एक बार इसके बारे में जरूरी है। तो एक बार यूज करके ही हम देखेंगे कि वाकई काम करता भी है या बस ऐसे ही कुछ बेंटन का ड्रामा बना के भेज दिया है। तो यहाँ पे लगती है एक 9 वोल्ट की बैटरी, तो जल्दी से मैं इस बैटरी को, इसमें ऑन भी हो रहा है देखो, इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। ये मैंने यहाँ पे फिट करी बैटरी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कर दिया है बैटरी को इंस्टॉल, और एक बार जरा सा मैं ऑन करता हूँ दोनों सेटों को। हेलो 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 हेलो, माइक चेक, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वॉइस तो काफी क्लियर आ रही है बिल्कुल पास से। जरा सा मैं दूसरे रूम में जाके एक बार इसकी टेस्टिंग करता हूँ यहाँ पे। हथियारों का ठिकाना पता चल गया है, तो जल्दी से वहां पे 4 बंदों को लेके जाओ और हमला कर दो। मैं अमनीशन जल्दी लेके वहां पे पहुंचता हूँ, तब तक तुम कवर फायर करो। तो दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जैसा कि इसकी बॉडी और इसके मटेरियल से मुझे लग रहा था, इतना भी बुरा नहीं था। इवन मतलब काफी मुझे बेटर लगा। मैंने दूसरे रूम से भी कॉलिंग करी तो वहां से भी जो आवाज है वो बिल्कुल मुझको साफ साफ सुनाई दे रही थी। और अगर ये डायरेक्ट एक दूसरे के लिंक में है तो 20 मीटर से भी काफी अच्छा साउंड आ रहा था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक तो जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आती रहती है यहाँ पर कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉयज अनबॉक्सिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।